मध्य प्रदेश बीजेपी में अब बल्लेबाज नेता सामने आने लगे हैं। यह है दमोह के बीजेपी युवा मोर्चा के विवेक अग्रवाल, जो कल किसी सरकारी दफ्तर में अफसर को चमकाने बल्ला लेकर पहुंच गए। क्रिकेट के बाद भाजपा को बेसबॉल का खिलाड़ी भी मिला है। सतना जिले की रामनगर पंचायत के अध्यक्ष ने बेसबॉल के बल्ले से नगर पंचायत के सीईओ को जमकर कूटा। सीईओ अस्पताल में भर्ती है और अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। जी हाँ, दिन पे दिन मध्य प्रदेश की बीजेपी में बल्लेबाज और बेसबॉल के खिलाड़ी सामने आने लगे हैं। हाल ही में आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के एक अधिकारी को बल्ले से पीटा था और ये मामला अब तक जारी है। हालांकि आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेशन कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। उनकी अगली सुनवाई भोपाल की एक विशेष अदालत में होनी है। वहीं उनके समर्थन में उनके कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि आकाश विजयवर्गीय ने जो किया है वो सही किया है, लेकिन अब कोर्ट आगे क्या आदेश देता है ये तो प्रशासन ही जानता है। हालांकि आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में अब तक इंदौर में काफ़ी सारे पोस्टर्स भी लगे हैं और उनमें ये लिखा है कि सैल्यूट आकाश, मीन्स आकाश ने जो किया है वो सही किया है। और कार्यकर्ता इस हद तक आकाश विजयवर्गीय के साथ खड़े हुए हैं कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश तक कर डाली है। इस मामले को लेकर आकाश को जेल भेज दिया गया है और जेल में उनके समर्थकों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। जब उनके समर्थक उनके लिए खाना लेकर पहुंचे थे, लेकिन जेल अधिकारियों ने सामान अंदर ले जाने से मना कर दिया था। जेल के वातावरण में पहुंचने से आकाश विजयवर्गीय की तबीयत पर भी कुछ असर हुआ था और उन्हें जेल में ही प्राथमिक उपचार दिया गया था। इसके बाद वो जेल की प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए थे। हालांकि ये बताया जा रहा था कि शायद सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका मंजूर हो जाएगी, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब भोपाल में अगली सुनवाई होगी एक विशेष अदालत में और फिर आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर कुछ आगे बात बढ़ेगी। तो अब देखा ये जाएगा कि आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इसी बीच दमोह में बीजेपी युवा मोर्चा के विवेक अग्रवाल एक सरकारी दफ्तर में अफसर को चमकाने के लिए बल्ला लेकर पहुंच गए हैं। और बल्ले तो ठीक हैं, बल्लेबाजों के बाद अब भाजपा को बेसबॉल के खिलाड़ी भी मिलने लगे हैं। सतना की रामनगर पंचायत के अध्यक्ष बेसबॉल से नगर पंचायत के सीईओ को जमकर कूटा है और ये मामला भी काफ़ी वायरल हो रहा है। और अब लगता है कि बीजेपी को क्रिकेटरों के साथ बेसबॉल खिलाड़ी भी मिलने लगे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।